दोस्तों अब बात करने वाला हूँ ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग के रिलेटेड में। क्या क्या है अभी मेरे गार्डन के अंदर। सबसे पहले मैं घाट ढक दूंगा तो आप देखें। सबसे पहले आ जाती है पालक। पालक की दो कटिंग हो चुकी है, तीसरी कटिंग के लिए रेडी है। देख क्वालिटी चेक करने आप कितनी अच्छी चल रही है, ऑर्गेनिक है। तो धनिया देख लें आप, धनिया का इतना बड़ा पॉट है, मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया नहीं लगाया। पौधे बहुत ही कम लगाता हूँ, कारण उस जितने पौधे कम होंगे बड़े उसमें उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ, पत्ते हेल्दी होंगे। तो धनिया की क्वालिटी देखें आप कितनी अच्छी चल रही है। उधर इसमें चुकंदर है हमारा, चुकंदर निकल चुके थे तो यहाँ पर साथ में मेथा लगा दिया है। ये है हमारी जो गर्मियों की सर्दियों की सबसे पहली जो मूलियाँ थी, यहाँ से हमें ग्रोथ अच्छा मिला था इसका, लेकिन काफ़ी ज़्यादा निकाल ली हैं और इसमें जो बाकी ये निकली हैं मैंने गुडाई वगैरह कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये निकल जाएंगी, इसमें नया लॉट हम लगा देंगे। इस पालक के बारे में बता ही दिया आपको। तो इस तरह जो अभी हमने चुकंदर लगाए थे वो देखें, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्दी जो वो बन रहे हैं इसकी चुकंदर। इस बकेट में मैंने पिछले हफ्ते मेथी लगाई थी तो मेथी की ग्रोथ आप देख रहे हैं निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस कंटेनर के अंदर भी आप देख सकते हैं हमने मूली लगा रखी है। मूली देखें, पहले हमने लगाई निकाल ली, उसके बाद अभी देखो इस तरह की मूलियाँ थी इसके अंदर। आप देख रहे जब ग्रोथ यहाँ तक चले जाती है ना नीचे तक, तो वापसी फिर ऊपर को होना स्टार्ट हो जाता है। मूली जितनी अच्छी क्वालिटी होगी अपना पूरा ग्रोथ करेगी। और देखें आप एक चीज़, जब थोड़ी सी जगह खाली होगी, क्या यहाँ पर धूप अच्छी आती, उस जगह पर धूप अच्छी नहीं थी तो क्या था, हमने वहाँ पर नहीं लगाई थी मूलियाँ, साथ में यहाँ पर मैंने अलग से लगा दी। तो इस तरफ देखें आप मेथा है, मेथा लगाए हुए 1.5 हफ्ता हो चुका है, तो इसकी आप देख सकते हैं ग्रोथ अच्छी है और पत्ते 3 से 4 साल स्लीव्स हो चुके हैं। तो इस तरफ शलगम लगाए हुए हैं, शलगम की ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली जितनी हमें उम्मीद थी। तो इधर सरसों है और इस तरफ देखिए हम टमाटर जो हमने लगा दिए थे, थोड़े से ज़्यादा लगाए थे, थोड़ा पौधा बड़ा हो जाएगा मैं निकाल के अलग बकेट के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। और इधर भी मूली है और उस तरफ भी मूली ही है सर्दियों में इनकी।